दोस्तों, अगर आप भी गुजरात और राजस्थान के बीच आईपीएल का 24वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते हैं कि जब भी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने होती है तो मुकाबला अपने आप रोमांचक बन जाता है। और इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत गुजरात के टॉस जीतने के साथ हुई, जहाँ उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम आज इस तरह से गुजरात की बैंड बजाकर रख देगी पहली पारी में, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। हुआ ये कि जब यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने पारी की शुरुआत की तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 42 रन तो जोड़ लिए थे। जायसवाल का बल्ला भी बढ़िया चल रहा था, लग रहा था कि आज वो शतक बनाकर ही जाएंगे। लेकिन यशस्वी जायसवाल जब 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे थे तो उमेश यादव ने यह फिरकी गेंदबाजी से उनको अपने जाल में फंसाया और मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट करवा के पहला बड़ा झटका राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिया, जहां यशस्वी जायसवाल 19 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके भी लगाए, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। हालांकि जब राजस्थान का पहला विकेट गिरा तब मात्र 32 रन का स्कोर राजस्थान टीम का चल रहा था। अब दोस्तों, जायसवाल के आउट हो जाने के बाद उतरे संजू सैमसन, जहां कप्तान संजू सैमसन और जॉस बटलर मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही जॉस बटलर को अपनी गुगली गेंदबाजी में राशिद खान ने फंसा लिया और राहुल तेवतिया के हाथों में कैच थंबाकर जॉस बटलर की पारी भी यहीं समाप्त की और 8 रन मात्र जॉस बटलर पर बने। अब दो बड़े झटके लग जाने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में अपने आप को ये समझ रही थी कि वो अब आगे हो चुके हैं और अब लगातार विकेट लेते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वो बिल्कुल गलत निकले, क्योंकि संजू सैमसन और रियान पराग ने मिलकर पूरा मुकाबला पलट कर रख दिया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 130 रन की साझेदारी कर दी। इस बीच रियान पराग ने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और अपने शतक की ओर वो आगे बढ़ चले, तो वहीं रियान पराग का साथ निभाते हुए संजू सैमसन भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, तीसरा झटका राजस्थान की टीम को रियान पराग के रूप में लगा, जब रियान पराग ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आसमान पर ले जाने की फिराक में थे, तभी मोहित शर्मा ने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर विजय शंकर के हाथों रियान पराग को कैच आउट करवा दिया और 48 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्कों की बदौलत पराग 76 रन बनाकर आउट हुए। और ये विकेट गिर जाने के बाद अब 172 रन के कुल स्कोर पर 3 बड़े विकेट राजस्थान की टीम के गिर चुके थे। हालांकि राजस्थान की टीम ने दबाव को पूरी तरह से सोख लिया था और यहां पर एक एक वक्त 42 रन पर 2 विकेट राजस्थान के थे। लेकिन अब 172 रन पर तीसरा झटका राजस्थान को लगा, जिसके बाद अब लगने लगा कि 200 के पार राजस्थान की टीम जाएगी, क्योंकि संजू सैमसन का भी बल्ला खूब बखूबी चला। इस बीच संजू सैमसन ने सिमरन हेटमायर के साथ मिलकर रियान पराग के आउट हो जाने के बाद अंतिम ओवर तक पारी को संभाला, जहां दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 200 के पार तो नहीं लेकिन 196 रन पर ले जाकर खड़ा कर दिया। इस बीच संजू सैमसन ने 38 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 68 रन की पारी खेली, तो सिमरन हेटमायर ने 5 गेंदों पर 13 रन जड़ डाले और राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 196 रन बना पाने में कामयाब हो सकी। हालांकि दोस्तों, राजस्थान ने अब गुजरात के आगे लक्ष्य रख दिया था 197 रन का। लेकिन यहां गुजरात की गेंदबाजी के बारे में जाने तो उमेश यादव, राशिद खान और मोहित शर्मा को एक एक विकेट मिला, जिससे अब ये तो अंदाजा हो चुका था कि इस पिच पर गेंदबाजों को ज्यादा मदद अब मिलने वाली नहीं है। इसलिए गुजरात के खिलाड़ी भी रन बनाने से पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर जब गुजरात के लिए पारी की शुरुआत साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने की तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही विकेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यहां स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लग गया। इस बीच साई सुदर्शन जहां ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान को आड़े हाथों ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे। दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते 7 ओवर के भीतर 50 रन की साझेदारी कर डाली। अब राजस्थान की टीम ये सोच विचार करने में ज्यादा व्यस्त थी कि आखिर इनको आउट कैसे किया जाए, और फिर संजू सैमसन ने अपना कप्तानी भरा दिमाग चलाते हुए फैसला किया कि कुलदीप सेन से गेंदबाजी करवाते हैं। और दोस्तों, कुलदीप सेन को जब 9वां ओवर थमाया गया तो उन्होंने यहां शानदार बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन को चलता किया, जहां साई सुदर्शन 29 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 35 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ गुजरात की टीम को पहला बड़ा झटका लगा। हालांकि जब साई सुदर्शन आउट हुए तब गुजरात की टीम का स्कोर 64 रन के करीब पहुंच चुका था। यहां से अब गुजरात की टीम को वापसी करना मुश्किल तो था, लेकिन मैथ्यू वेड ने आकर सुमन गिल के साथ पारी को लगभग संभाल लिया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच बारिश ने दस्तक दे दी मैदान पर, जहां बारिश के बाद पूरा मुकाबला इस तरह
से पलटा कि मानो राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए बारिश एक अच्छा संकेत दे गई हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दूसरा विकेट जब बारिश के बाद मैदान पर उतरे मैथ्यू वेड का गिरा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुलदीप सेन ने एक बार फिर से पूरा मुकाबला पलटने का दम रखा और उन्होंने मैथ्यू वेड को अंदर आते हुए गेंद करवा के सीधा उनके स्टंप को उखाड़ फेंका, जहाँ मैथ्यू वेड 6 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए और गुजरात की टीम को यह दूसरा झटका लगा मात्र 77 रन के कुल स्कोर पर। अब गुजरात को 60 गेंदों में मैच जीतने के लिए 120 रन चाहिए थे, मतलब कि पूरे डबल रन चाहिए थे। अब यहाँ पर शुमन गिल को छोड़कर बाकी गुजरात के किसी भी बल्लेबाज में ऐसा दम नहीं लग रहा था कि वो मुकाबले को जिता सके। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, आईपीएल में मुकाबले ना पलटे ऐसा कभी हो सकता है क्या? मुकाबला पलटा भी और ऐसा पलटा कि यहाँ से राजस्थान की टीम ने वापसी करना तो छोड़ो, इस मैच को जीतने तक के सपने देखना भी छोड़ दिया था। हुआ ये कि जब अभिनव मनोहर मैथ्यू वेड के आउट होने के बाद उतरे तो यहाँ पर कुलदीप सेन रुकने का कहां नाम लेने वाले थे, उन्होंने अभिनव मनोहर को भी इस मैच में हवा लगने नहीं दी और यहाँ पर दूसरी ही गेंद पर उनका विकेट चटका दिया और कुलदीप सेन ने एक ही ओवर में 3 लगातार विकेट लेकर पूरी तरह से ये मुकाबला एक पल के लिए राजस्थान की ओर झुका दिया। अब शुभमन गिल बेचारे अकेले क्या कर पाते, यहाँ पर विजय शंकर ने उनका साथ निभाते हुए अब धीमे करके पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन देखते ही देखते यहाँ कुलदीप सेन की ऐसी अग्रेसिव गेंदबाजी के आगे कोई भी बल्लेबाज बड़ा शॉट तो छोड़ो वापसी करने तक के इरादे भी नहीं रख रहा था। कुलदीप सेन ने एक ही ओवर में पूरा मुकाबला पलट कर यह बता दिया कि आखिर आईपीएल में मैचेस को अपने नाम किया कैसे जाता है और फिर क्या था। यहाँ राजस्थान की टीम ने इस मैच में गुजरात को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया और यहाँ विजय शंकर लगातार कोशिश तो करते चले जा रहे थे कि कैसे भी करके गुजरात की टीम को करीब लेकर आए, क्योंकि दोस्तों अभी भी रन इतने नहीं चाहिए थे मैच जीतने के लिए। 48 गेंदों पर मात्र 105 रन की आवश्यकता थी और सवाई मानसिंह स्टेडियम पर यह स्कोर आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ की पिच वैसे भी बल्लेबाजों को काफी सपोर्ट करती है और गेंदबाजी में यहाँ गेंदबाजों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए लग रहा था कि इस स्कोर तक गुजरात टाइटंस की टीम अभी भी पहुंच सकती है, क्योंकि विजय शंकर ने यहाँ दबाव में बल्लेबाजी करना पूरी तरह से अवॉइड किया और बाउंड्री लगाने से वो चूक नहीं रहे थे और वैसे भी बारिश होने के पूरे आसार मैदान पर नजर आ रहे थे। यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स अभी भी घबराई हुई थी क्योंकि शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस मैदान पर बस कुलदीप सेन की गेंदबाजी कारगर साबित हो रही थी। ट्रेंट बोल्ट को खूब रन पड़ गए तो वहीं आवेश खान ने भी खूब रन पड़वाए। हालांकि युजवेंद्र चहल से उम्मीद लग रही थी तो उनकी भी इकोनॉमी 10 से ऊपर की थी, तो कुलदीप सेन के एक बार सारे ओवर खत्म हो जाने के बाद कोई विकल्प राजस्थान के पास बचा नहीं, जिसके चलते यह मुकाबला फंस गया और मैच अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। हालांकि दोस्तों जीतना तो हर किसी को पता ही था कि एक ही टीम को की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब रही। बाकी अब आप सभी की क्या राय है ये रोमांचक मैच देखने के बाद, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।